सो ही व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल के इंस्टाग्राम हैक्स, जो शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। और ये इंस्टाग्राम हैक्स आपको पता चल गए, मतलब आप नॉर्मल बंदों से ज़्यादा ऊपर का सोचने लगोगे इंस्टाग्राम से रिलेटेड। सो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आज के वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं आज के वीडियो में जो ये 6 ट्रिक्स लेके आया हूँ, और कुछ मेरी भी एक दो ट्रिक्स हैं, तो 6-7 ट्रिक्स जो मैं आज लेके आया हूँ, जो मैं आपको कुछ नए हैक्स बताने वाला हूँ, शायद आप में से बहुत से लोगों को वो नहीं पता होंगे, और आपको पता चल गए तो आप कुछ बंदों से अलग दिखोगे इंस्टाग्राम पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो हे गाइस, विशाल हियर एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल टैक्स ऑफ लाइफ। मेरी फर्स्ट जो बहुत कमाल की ट्रिक है, उसमें अगर आप किसी बंदे या बंदे की स्टोरी देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसके पास तक आपका व्यू ना पहुंचे, मतलब उसकी प्रोफाइल आप स्टॉक भी कर लो और उसको पता भी नहीं चले कि आप उसकी रोज स्टोरीज देखते हो, सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। आपको करना ये है कि आपको उसकी प्रोफाइल पर जाना है, आपने उसका नाम सर्च किया, आप उसकी प्रोफाइल पर गए, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो भी आप वाईफाई या मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो उसको बंद कर देना है। बस आपने अपना डेटा मोबाइल डेटा बंद कर दिया, फिर उसकी स्टोरी पर क्लिक करना है, उसके जो प्रोफाइल आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो स्टोरी दिख जाएगी। आप उसकी स्टोरीज देख लीजिए, सारी स्टोरीज देखने के बाद फिर से बैक आइए, डेटा ऑन करिए, आपने उसकी स्टोरीज भी देख ली और उसे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट जो सबसे कमाल की ट्रिक है उसके बारे में आपको बताऊंगा, सेकेंड ट्रिक, जिसमें अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो और आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, और अगर उस पर बहुत ही बंदे क्या करते हैं ना, नेगेटिव कमेंट करते हैं, किसी बंदे ने ऐसा कमेंट किया है जो पब्लिक देख रही, तो मतलब आपको लग रहा है कि यार बुरा लग रहा है ये कमेंट, इसने ऐसा कैसे लिख दिया, लेकिन आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। अगर वो आपका दोस्त ही है और आप चाह रहे हो कि उससे पता भी ना चले और ये कमेंट वहाँ रहे भी और सिर्फ आपको ही दिखे और बंदों को दिखे ना, मतलब वो कमेंट रहे भी और किसी बंदे को दिखे ना, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आपको करना है, आपको जाना है अपने प्रोफाइल के ऊपर जो थ्री लाइंस होती है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको जाना है अपने अकाउंट में, या फिर आप प्राइवेसी पे क्लिक करिए, ठीक है, आपको उसके बाद क्लिक करना है अपने प्राइवेसी पे, प्राइवेसी पे सबसे टॉप पे ऑप्शन मिल जाएगा कमेंट्स का, कमेंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक कमेंट्स फ्रॉम जीरो पीपल, जैसे मेरे में लिखा हुआ है ब्लॉक कमेंट्स, तो आप वहां पर क्लिक करिए और जिस भी बंदे या बंदे के आपको कमेंट को हाइड करना है और उसे भी मजे दिलाना है, तो आप बस उसका नाम टाइप करिए, जैसे कि मैं किसी भी बंदे का, पर्टिकुलर बंदे, जैसे इस बंदे का मैंने कमेंट ऑफ कर दिया, मतलब ये मेरा भाई है, इसका मैंने कमेंट ऑफ कर दिया, सो ये यहाँ पर कमेंट उसका बंद, मतलब ये जो उसने मेरे पोस्ट पे, जितने भी पोस्टों पे उसने मेरे कमेंट किया होगा ना, उसका कमेंट नहीं शो होगा, चाहे उसने नेगेटिव कमेंट किया हो चाहे पॉजिटिव कमेंट किया हो, और उसको पता भी नहीं चलेगा। जो कमाल की ट्रिक है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपने किसी भी टेक्स्ट पे शैडो कैसे लगा सकते हो, मतलब आपने कुछ भी टाइप किया और उस पर आप शैडो कैसे लगा सकते हो, मतलब वो अच्छा सा थोड़ा दिखे, लोगों को लगे कुछ नए तरीके से लिखा है, नया फॉन्ट है ऐसा करके कुछ लोगों को लगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्टोरी पे जाना है, अपने स्टोरी ऐड करनी है, क्रिएट, फिर वहाँ टाइप करना है कुछ भी, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया मेरा नाम, मैंने अपना नाम टाइप किया, फिर आपको क्या करना है उसको चूज कर लेना है कलर उसका, ठीक है, तो मैंने नाम का कलर पहले चूज़ करना है, जैसे मैंने नाम का कलर रेड चूज़ कर लिया, ठीक है, उसको मैंने कर दिया थोड़ा बड़ा, ठीक है, अब वैसे ही फॉन्ट में आपको अपना नाम फिर से लिखना है। सो यहाँ आपने लिख लिया अपना दो बार नाम, अब आपको करना है क्या, दोनों का फॉन्ट बिल्कुल कर लेना है बराबर, और उसके बाद अपने इस नाम को इस नाम के ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा, देखिए ये दैट्स कूल डन। तो ये कुछ आपको अलग तरीके का दिख रहा होगा नाम, कि मतलब कुछ लोग अलग लिखे हैं कि ये कैसे लिखा बंदे ने, ये फॉन्ट कैसे मिल गया, समझ लेना कुछ डिफरेंट। एक कमाल की चीज बताता हूँ, शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, अगर आपको पता करना है कि आपकी प्रोफाइल कौन स्टॉक करता है, मतलब कोई भी लड़का या लड़की आपकी प्रोफाइल कौन स्टॉक करता है, मतलब रोज आपकी प्रोफाइल कौन देखता है, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताता हूँ, आप अपनी स्टोरी पे जाइए, स्टोरी व्यू पे जाइए, और आप देखिए कि आपकी स्टोरी कौन व्यू कर रहा है, ठीक है, आप रोज आप लगातार एक हफ्ते की अपनी स्टोरीज को एनालाइज करिए, और जो उसके टॉप 3 व्यूअर्स होंगे, ठीक है, उनके नाम नोट कर लीजिए, रोज की स्टोरी एनालाइज करिए और टॉप 3 जो व्यूअर होंगे उनके नाम नोट कर लीजिए, उनमें से जो भी कॉमन होगा
मतलब वो बंदा आपकी स्टोरी सबसे पहले देखता है, वो बार बार आपकी प्रोफाइल खोल के देखता है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि जैसे जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल को स्टॉक करता है, आपकी प्रोफाइल को बार बार ओपन करके देखता है, इंस्टाग्राम उसी को सबसे ऊपर लाता है स्टोरी व्यू में, समझ गए? ऐसा नहीं है कि जिसने पहले स्टोरी व्यू की वही ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, सबको पता चल जाएगा किसने आपकी स्टोरी देखी है, और आप अपने क्रश का पता लगा लेंगे, और आपका क्रश आपको मिल जाए तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरा लिंक है, और बात करते हैं, आइए मेरे इंस्टाग्राम फैमिली को ज्वाइन करिए और बात करते हैं आके। लास्ट टू जो सबके सबसे कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो इतनी देख ली तो ये भी दो देख लीजिए, क्योंकि ये एकदम खतरनाक ट्रिक होने वाली, बिल्कुल ये भी देख लीजिए, इतना तो देख लिए तो ये भी दो देख लीजिए और बिल्कुल मास्टर बन जाइए इंस्टाग्राम के। सो पहली जो बहुत ही कमाल की ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, जो इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, आप फोटो ले रहे हो इंस्टाग्राम के थ्रू, फोटो ले रहे हो स्टोरी लगा रहे हो, मतलब कैमरे से नहीं इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। सो उसमें बहुत ही कम फिल्टर्स आते हैं, मतलब दो चार फिल्टर, वो भी एकदम घटिया घटिया से, सितारे गिर रहे हैं, बिजली कड़क रही है, इस टाइप के फिल्टर, वो नहीं। अगर आप चाहते हो एकदम डिफरेंट फिल्टर्स लगाने, एकदम खतरनाक फिल्टर, सो इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे ही। सो आपको जाना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहां पर आपको अपनी एक लेनी है कमाल की फोटो, मैं लेके दिखाता हूँ। तो आपको फोटो नहीं लेनी, मतलब ये मेरा खुल गया, यहाँ पर नीचे फिल्टर्स आ रहे आपको दिख रहे होंगे। आपको करना ये है, सबसे साइड में आ जाना है स्क्रॉल करते हुए, मतलब स्लाइड करते हुए, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका ऑप्शन आ रहा है ब्राउज इफेक्ट्स, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे फिल्टर दिख गए होंगे, ये देखिए एक नहीं हज़ारों फिल्टर दिख जाएंगे, बहुत फिल्टर है, मतलब भाई गॉड इतने फिल्टर मैंने कभी नहीं देखे किसी फ़ोन में किसी एप्लीकेशन में। सेल्फी पर क्लिक करेंगे, सेल्फी के हज़ारों फिल्टर मिल जाएंगे, किसी का भी, स्मूथ स्किन और पता नहीं क्या क्या फलाना धमाका। तो जैसे मैं एक पर टैप करता हूँ, स्मूथ स्किन पर मैंने टैप किया, ट्राई इट पर क्लिक किया, बस मेरी भी स्किन देखिए बिल्कुल गोरी चिट्टी हो गई। मतलब ऐसा मुझे करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो लीजिए और अपने स्टोरी पर लगाइए और लोगों को दिखाइए कि आपने कितना कमाल की फ़ोटो ली है। एक और कमाल की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, अगर आप अपने हैशटैग्स को यूज़ करके और मेंशन को यूज़ करके अपने स्टोरीज़ को भर भर के व्यूज़ ला सकते हो स्टोरीज़ में, कैसे? आप एक काम करो, आप गूगल पर सर्च करना हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, आपने जिससे भी रिलेटेड पोस्ट डाली है, आपने नेचर से रिलेटेड पोस्ट डाली है, तो आप वहाँ लिखिए नेचर हैशटैग्स, हैशटैग्स आ जाएंगे, सबको कॉपी करिए, सारे हैशटैग्स को कॉपी मारिए, ठीक है। आपको जाना है अपनी फोटो पे, इंस्टाग्राम पे फोटो लगाइए, अपने हैशटैग को कॉपी में कॉपी किया, फोटो पे टेक्स्ट पे जाइए और वहाँ सारे हैशटैग कॉपी मार दीजिए, सारे हैशटैग वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। फिर आपको क्या करना है, सारे जितने भी हैशटैग लिख के आ गए, खूब सारे जितने भी आपने कॉपी पेस्ट मारे, सबको एकदम छोटा कर दीजिए, इतना छोटा, बिल्कुल छोटा कर करके, छोटा करके साइड में एकदम लगा दीजिए, उसके ऊपर कोई इमोजी लगा दीजिए, किसी को पता नहीं चले आपने 100-150 इतना तो लगा नहीं सकते हैं, किसी को पता नहीं चले आपने 20-30 हैशटैग यूज़ किए हैं स्टोरी में। और फिर आप कमाल देखेंगे कि जितने भी हैशटैग आपने यूज़ किए सब में आपकी स्टोरी रैंक करेगी, आपके स्टोरी पे नए नए व्यूवर्स आएंगे, यहाँ तक ब्लू टिक वाले भी बंदे आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, मेरी स्टोरी पे खुद ब्लू टिक वाले कितने लोग आते हैं, आए दिन आते जाते रहते हैं, अपने तो सेलिब्रिटीज से लेन देन लगा रहता है। हाँ, सबसे लास्ट की जो सबसे कमाल की ट्रिक है बेटा, वो आग लगा देने वाली है। आप लोग में से शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोग को ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ सबको, ही ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, भाई साहब इससे मस्त मस्त वीडियोज आने वाली हैं आगे के टाइम में। लेकिन आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना ये है कि आप अगर अपनी स्टोरीज लगाते हो, अपनी वीडियोज लगाते हो, और आप चाहते हो कि आप रास्ते में कोई वीडियो बना रहे हो और उसमें साथ में गाना भी लग जाए, आप ऐसे क्या करना पड़ता है, आप कोई गाना लगाओगे तो बैकग्राउंड की आवाज़ गायब हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर आप सबको ही पता है ये फीचर कि आप किसी भी स्टोरीज पे गाना लगा सकते हो, किसी फोटो पे गाना लगा सकते हो, लेकिन फिर बैकग्राउंड की आवाज़ बिल्कुल चली जाती है, जैसे किसी पंछी की अच्छी से आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, आपको वीडियो कैप्चर करना है, ठीक है, लेकिन उसकी भी साउंड आए और आपका गाना भी बैकग्राउंड में आता रहे। सो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, फोटोग्राफी वाले बंदे प्लीज़ इसे देखें क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। करना आपको ये है, आपको अपने ही फ़ोन में जिससे आप वो स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको उसमें जियो सावन से एक गाना प्ले कर देना है, उस गाने का वॉल्यूम अपने हिसाब से कम कर देना, एकदम कम कर दीजिएगा, ठीक है, 50% से भी थोड़ा डाउन। फिर मिनिमाइज़ किया, आप इंस्टाग्राम पे गए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी रिकॉर्ड कर लेनी है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आप जैसे रिकॉर्ड करके देखेंगे ना, बैकग्राउंड में वो गाना हल्का हल्का सा चल रहा होगा प्यारा सा, ठीक है, और उस पंछी की और उस अच्छी सी फोटोग्राफी वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। बस ये सिंपल सा हैक था। सो यहाँ पर खत्म होती है वीडियो अभी कट मत करिएगा, कुछ कमाल की दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वीडियो कट मत करिएगा। अभी तक आपने अगर वीडियो को देख लिया यहाँ तक, तो यार
किस बात की देरी, चैनल को भी सब्सक्राइब ही कर दो यार, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, मिलते हैं वहां पर, बात करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी दो कमाल की वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने, इंस्टाग्राम के लाइक्स कैसे बढ़ाने, इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप कैसे लगाना है, वो तीसरी वीडियो मेरी, और एक और मैंने बनाई थी जिसमें आप इंस्टाग्राम का अपना नेम नहीं चेंज कर पा रहे हो तो नेम कैसे चेंज करना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं वो वाली वीडियो जरूर देखना, वो आपके लिए बहुत काम आएगी। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।